नमस्कार दर्शकों, मैं आंचल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ रेडियो द्वारका के कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ। यह आईपीओ 4 मई से खुल रहा है और 9 मई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 902 रूपीज से लेकर 949 रूपीज तक। इस आईपीओ के अंडर में एलआईसी ने कुछ कैटेगरीज को डिस्काउंट देने का फैसला किया है, यानी कि पॉलिसी होल्डर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को और एम्प्लॉयज को कुछ डिस्काउंट मिलेंगे इस प्राइस पर। अब हम जानेंगे कि ये डिस्काउंट्स क्या है। अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं और आपने 28 फरवरी के पहले अपने पैन कार्ड को अपने पॉलिसी के साथ लिंक किया है तो आपको 60 रूपये का डिस्काउंट मिलेगा पर शेयर पे। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब एज अ पॉलिसी होल्डर अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा हमें। अगर आप एक जॉइंट होल्डर है पॉलिसी में तो जो प्राइमरी होल्डर है उसे ही ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर मान लीजिए आप और आपकी वाइफ एक पॉलिसी में जॉइंट होल्डर्स हैं और आपकी वाइफ उसमें प्राइमरी होल्डर है तो आपकी वाइफ को पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट मिलेगा, आपके नाम पर भी डिस्काउंट नहीं ले सकते। अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं पर आप एक एनआरआई हैं तो आपको पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट नहीं एप्लीकेबल है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर एम्प्लॉई है एलआईसी के तो आपको ₹45 पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। एक लॉट में 15 शेयर अप्लाई किए जा सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के शेयर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक पॉलिसी होल्डर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं तो आप 2 लाख के शेयर्स एज पॉलिसी होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और 2 लाख के शेयर्स एज एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको पॉलिसी होल्डर होने के कारण ₹60 डिस्काउंट मिलेंगे और एम्प्लॉय होने के कारण ₹45 डिस्काउंट मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर की हैसियत से भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एडिशनल 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी आपको ₹45 पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। अब हम जानेंगे कुछ क्विक फैक्ट्स इस आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% स्टेक होल्ड करती है एलआईसी में। उनके पास 632 करोड़ शेयर्स है एलआईसी के। इस आईपीओ के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने 3.5% स्टेक यानी कि 22.13 करोड़ शेयर्स लिक्विडेट कर रही है, जिसमें से 15.81 लाख शेयर्स एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व्ड है। कुछ मैक्सिमम 10% शेयर्स यानी कि 2.21 करोड़ शेयर्स पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं और 35% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। बाकी शेयर्स QIBs के लिए रिजर्व्ड है। अब हम जानेंगे इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट के बारे में। इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 12 मई, यानी कि 12 मई के बाद आपको पता चलेगा कि आपको ये सब्सक्राइब किए गए शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए होंगे तो 16 मई तक आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स रिफ्लेक्ट करेंगे और एलआईसी के शेयर्स लिस्ट होने की टेंटेटिव डेट है 17 मई, यानी कि 17 मई के बाद से आप इन शेयर्स पे ट्रेड कर सकेंगे एनएससी या बीएससी पर। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी ये प्लान करने के लिए कि आपको एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ। मैं आंचल अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ।